दोस्तों आज इस वीडियो पर हम लोग सीखेंगे कि मोबाइल पर एक हाई क्वालिटी थंबनेल कैसे बना सकते हो, कैसे आप एक थंबनेल को एडिट कर सकते हो, वो भी अच्छा खासा, जो कि कोई भी बंदा दिखेगा तो सोचेगा कि ये फोटोशॉप पर बना हुआ है, बट ये थंबनेल आप आसानी से मोबाइल पर बना सकते हो। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट करके देखोगे तो आशा करता हूँ आप जितने दिन तक यूट्यूब पर रहोगे आसानी से कोई ना कोई एक थंबनेल आप बना लोगे मोबाइल से, कंप्यूटर की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन पर जिसका नाम है पिक्सल लैब, ठीक है। पिक्सल लैब पर आप आ जाओ और यहाँ पे बहुत अच्छा खासा हाई क्वालिटी वाला थंबनेल बना सकते हो। उसके लिए आपको ये जो तीन डॉट मेन्यू है यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इमेज साइज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए कस्टम लिखा है प्रीसेट पर, यहाँ पे आपको क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल नहीं, इसको नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर इसको करेंगे तो आप पिक्सल देखिए कितना होगा, ये 720p वाला जो थंबनेल होगा, बट आपको चाहिए होगा एक हाई क्वालिटी वाला थंबनेल, तो आप यहाँ पे करिए 1920, ठीक है, और यहाँ पे आप कीजिए 1080, ठीक है, 1920 1080, ठीक है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका साइज ये सेट हो गया है, यहाँ पर ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा है इसको आपको पहले हटा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा कि जो थंबनेल का बैकग्राउंड आप क्या रखना चाहते हो। दोस्तों आजकल बहुत सारा वेबसाइट आ चुका है जहाँ पर आप थंबनेल के लिए बैकग्राउंड ढूंढ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, वो भी HD में, ठीक है। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, गूगल पे जाके आप सर्च करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो और एक एप्लीकेशन है, आपको नाम बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए पिक्साबे, ठीक है, जो कि मैं यूज करता हूँ, काफ़ी शानदार एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप हाई क्वालिटी वाला बैकग्राउंड थंबनेल के लिए बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं पिक्सल लैब पर, तो वहाँ पे आके आप कोई भी एक बैकग्राउंड ले सकते हो। तो आपको दिखाने के लिए मैं कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और जो थंबनेल का बैकग्राउंड आप डाउनलोड किए हो उसको यहाँ पे लाने के लिए आपको फ्रॉम गैलरी करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो डिवाइस है उसमें जितने भी बैकग्राउंड है या तो जितने भी फोटोज है आ जाएगा। मान लीजिए ये मैंने एक कल डाउनलोड किया था, तो इसको भी आप आसानी से यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो उसके लिए ऐसे आपको 16:9 पे क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे टिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो थंबनेल का बैकग्राउंड है यहाँ पे देखिए आ चुका है। उसके बाद कोई भी एक कोने पे पकड़ के आप ऐसे बड़ा कर लोगे, ठीक है। बड़ा करने के बाद आप यहाँ पे एडिट का काम चालू कर सकते हो। आप टेक्स्ट लिखेंगे या तो आपके पास कोई भी PNG इमेज हो जिसका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे लाके सेट कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले आपको कलर ग्रेडिंग करना होगा। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ एक थंबनेल पर 2 से 3 कलर यूज करो। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक आपको दिखाऊंगा जिसको यूज करके आप एक थंबनेल को अच्छा खासा कलर ग्रेड वाला लुक दे सकते हो। उसके लिए आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद सेव वाली सेक्शन पर जाना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो एरो साइन दिख रहे हो, ये जो एरो साइन है यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी एक टेक्सचर ले सकते हो। तो बट जिसको मैं यूज करने वाला हूँ वो है ये जो ट्रायंगल वाला, ठीक है। इसको लेने के बाद आपको कोई भी कोने से पकड़ के बड़ा कर लेना है, ठीक है। बड़ा कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे टिक कर दो, ठीक है। उसके बाद इस कोने में पकड़ के इसको ऐसे एक एंगल शेप दे दो, ठीक है। इसको और भी ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद इसका कोई भी एक कलर दे सकते हो। वो कलर आपको देने के लिए नीचे वाली मिडिल वाली सेक्शन पर जाना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे आके कलर वाली सेक्शन पर आ जाओ और यहाँ पे इसको एनेबल कर लो। उसके बाद कोई भी एक कलर दे दो, जो कलर आपको अच्छा लगे आप दे सकते हो, या तो आप ग्रेडियंट यूज कर सकते हो। ग्रेडियंट का मतलब आप दो कलर को एक साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद टिक कर देंगे। तो देखिए ये जो थंबनेल है यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक साइड बहुत ज़्यादा डार्क है और एक साइड उजाला है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे चाहे तो और भी कुछ काम कर सकते हो, जो कि कलर में आके आप यहाँ पे, अगर आपको इस साइड ज़्यादा डार्क लग रहा है तो इस साइड को आप डार्क करने के लिए यहाँ पे ब्लैक वाली जो कलर है उसको ले सकते हो, ठीक है। तो नहीं तो आप यहाँ पे इसको अगर डिलीट करना चाहो, मान लीजिए आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, दोस्तों आपका बेसिक से बेसिक सा चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, तो इसके लिए अगर आपको पसंद नहीं है ये, तो यहाँ पे सीधा डिलीट बटन है, तो इसको क्लिक करके ओके कर देना, तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद टेक्स्ट लेना पड़ेगा, कोई भी एक टेक्स्ट, ठीक है। मान लीजिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू एडिट थंबनेल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो थंबनेल, ठीक है, थंबनेल लिख लिया, उसके बाद ओके कर देना। उसके बाद इसका साइज़ बढ़ाने के लिए टेक्स्ट में आके यहाँ पे साइज वाली सेक्शन पर क्लिक करें, उसके बाद ऐसे बड़ा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसका जो फॉन्ट है वो भी चेंज कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे फ्रंट वाली सेक्शन पर आना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला फ्रंट ले सकते हो या तो ये वाला ले सकते हो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो
एप्लीकेशन है पिक्सल लैब, इसके ऊपर बहुत सारा फॉन्ट आजकल आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप सर्च करके वहाँ से डाउनलोड करके इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आपको फॉन्ट इंटीग्रेट करना नहीं आता है तो अलग एक सेपरेट वीडियो आएगा जहाँ पे आपको मैं सिखा दूंगा कि कैसे एक्स्ट्रा थंबनेल एक्स्ट्रा आपको फ्रंट यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे माई फ्रंट पे जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके जिस फोल्डर में वो फ्रंट होगा तो उसको आप यहाँ से अटैच कर सकते हो, वो कोई दूसरा वीडियो में मैं दिखा दूंगा अगर आपका रिक्वायर्ड है तो। अगर आपका रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट में बता सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो उसके बाद ओके कर दीजिए, थंबनेल यहाँ पे मैंने ले लिया। उसके बाद इसके पीछे अगर आप शैडो देना चाहते हो तो शैडो भी दे सकते हो, ठीक है। शैडो क्या होता है, शैडो देखिए अगर इसका बैकग्राउंड व्हाइट होता तो अच्छे से आपको समझ में आता, इस बैकग्राउंड के ऊपर आपको समझ में नहीं आएगा कि शैडो क्या है, ठीक है। उसको थंबनेल यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद अगर आपको लिखना है कि कैसे बनाना है तो यहाँ पे एडिट वाले सेक्शन पर जाइए, कैसे एडिट करना है, ठीक है। एडिट मैंने लिख दिया। उसके बाद इसको नीचे लाइए और इसका फ्रंट भी चेंज करा दीजिए। उसके लिए फ्रंट वाले सेक्शन पर जाइए, उसके बाद यहाँ से ये वाला फ्रंट ले लेता हूँ या तो ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। कैसे एडिट, इसके बाद इसको आप साइज बड़ा कर लीजिए क्योंकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। थंबनेल कैसे, थंबनेल कैसे एडिट इसके बाद करें, ठीक है। करें लिखने के लिए आपको ऐसे लिख के उसके बाद इसको नीचे लाइए, उसके बाद टिक कर दीजिए, ठीक। तो देखिए ये जो टेक्स्ट है हो सकता है आपको दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहे, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो। बैकग्राउंड क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, मान लीजिए थंबनेल, इसको क्लिक करके पीछे आइए, बैकग्राउंड सेक्शन पर जाइए, एनेबल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको रेड या जो आपको रखना चाहिए आप रख सकते हो। उसके बाद राइट ऐसे करके आप पूरा कर सकते हो, नहीं तो इतना भी कर सकते हो। कैसे करें, कैसे एडिट इसके ऊपर भी ऐसे लगा सकते हो, करे के ऊपर भी लगा सकते हो। अगर करे के ऊपर आपको लगाना है तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे आ जाइए, बैकग्राउंड उसके बाद कोई भी कलर ले लीजिए और लेफ्ट पैडिंग को बड़ा कर दीजिए, ठीक है। तो इसको अगर आपको छोटा करना है तो करे का जो फ्रंट है आपको चेंज करना पड़ेगा। ये वाला जो फ्रंट है इसके ऊपर ऐसे ही दिखता है, ठीक है। साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो थंबनेल कैसे एडिट करें, उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी आपका फ़ोटो हो सकता है और किसी का भी फ़ोटो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिसका आप चाहो आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेरा जो एक डाउनलोड किया हुआ बैकग्राउंड रिमूव्ड फ़ोटो है उसको मैं यहाँ पे यूज करूँगा, तो उसके लिए इसको मेरा वाला ये फ़ोटो यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, सॉरी बैकग्राउंड नहीं है, स्ट्रोक है, मतलब साइड वाली जो पोर्शन है, यहाँ पे कोई भी कलर ऐड करना है तो स्ट्रोक को ऐड करना पड़ेगा, एनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रोक का जो विड्थ है उसको आप बढ़ा सकते हो, ऐसे बढ़ा सकते हो, उसके बाद टिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों कितना अच्छा आपका थंबनेल, देखिए ऐसा थंबनेल है कि आप आसानी से कोई भी वीडियोस पर यूज़ कर सकते हो। ऐसा थंबनेल नहीं कि बहुत कुछ लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे कि पिक्सल लैब पर कैसे आपको थंबनेल एडिट करना है, देखिए पूरा वीडियो आप शौक हो जाओगे, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बट वो सही तरीका नहीं है, वो दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसको कैसे आपको आपका मोबाइल में सेव करना है, उसके लिए देखिए यहाँ पे सेव वाला एक आइकॉन है प्लस के बाद, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए सेव एज इमेज। आप यहाँ पे PNG भी रख सकते हो, JPG भी रख सकते हो। तो JPG रख के मैं सेव टू गैलरी करूँगा तो ये जो फ़ोटो है गैलरी में आ चुका होगा, तो उसके लिए देखना पड़ेगा। आप देखिए ये देखिए गैलरी में ये जो फ़ोटो था आ चुका है, आप जूम करके देखिए कितना अच्छा दिख रहा है आपको। ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा हूँ देखिए फट नहीं रहा है, ठीक है, हाई क्वालिटी में यहाँ पे दिख रहा है और मेरा फ़ोटो भी देखिए शानदार तरीके से दिख रहा है। तो ऐसे आप एक हाई क्वालिटी वाला थंबनेल मोबाइल से आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही था वीडियो में, अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करना, और कुछ भी डाउट है थंबनेल बनाने के बारे में तो नीचे कमेंट में बताइए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना।